साल बाद आज ज्ञानवापी में सुबह सुबह हलचल हुई, वहां पर तस्वीर बदली हुई दिखाई दी, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद बीती रात ज्ञानवापी में पूजा हुई है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में बीती रात डीएम और कमिश्नर की मौजूदगी में पूजा हुई। उससे पहले जिला प्रशासन, पुलिस और विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारियों की देर रात तक बैठक हुई और रात 2 बजे ही ऐलान कर दिया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन हो चुका है। प्रशासन रात से ही तहखाने में जाने का रास्ता तैयार करने में जुट गया था। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। कोर्ट के फैसले के महज 9 घंटे के अंदर ही लोहे के बाड़े हटा दिए गए और पूजा शुरू कर दी गई। विश्वनाथ मंदिर की तरफ से जहां बड़े नंदी विराजमान है, उनके ठीक सामने बैरिकेडिंग को खोलकर तहखाने पर जाने का रास्ता बनाया गया। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में जो मूर्तियां मिली थी उन्हें वहां रखकर देर रात तक पूजा पाठ किया गया, आरती की गई और भोग लगाया गया, प्रसाद भी वितरण किया गया। और आज से ही व्यास तहखाने में वहां मौजूद देवी देवताओं के विग्रह के सामने शयन आरती, मंगल आरती सहित पूजा पाठ की सभी विधियां पूरी की जाएंगी। प्रशासन ने तहखाने के भीतर संपूर्ण पूजा पाठ का जिम्मा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिया है। व्यास तहखाने में पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात ये पूजा पाठ किया गया और रात भर एक्शन में प्रशासन रहा, क्योंकि तमाम आला अधिकारी पुलिस के वहां पर पहुंचे ताकि ये पूरी की पूरी पूजा पाठ शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आला अधिकारियों का वहां पर देर रात पहुंचना और सुरक्षा घेरे को बढ़ाना दरअसल इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका है प्रशासन की, या फिर फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। नया देखिए, फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं, क्योंकि बनारस जाना जाता है गंगा यमुनी तहजीब के लिए और उसी का पालन यहाँ करवाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है वो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का कॉम्प्लेक्स है और मेरे पीछे आप अगर फोर्स देखेंगी तो आप देखेंगी आरआरएफ रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। आम दिनों पर ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, कल रात से शाम से इनको यहाँ बुलाया गया है और भारी सिक्योरिटी इनकी बढ़ाई गई है। तमाम देखिए, इनके पास सारे तमाम वेपन्स हैं उनको लिए हुए हैं, इनके पास केन्स हैं, इनके पास गन्स हैं, सारे इत्यादि इनके पास चीजें मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो माधव दत्त त्रिपाठी जी हैं। ये वो शख्सियत हैं, वो पुजारी हैं जो अंदर आज व्यास तहखाने के गए हैं, आरती करी है, पूजा पाठ किया है। सीधे उनसे मुखातिब होऊंगा। माधव जी, कैसी अनुभूति थी, आप व्यास तहखाने से आ रहे हैं, आपने पूजा पाठ की है आज सुबह, क्या कुछ कहेंगे? मैं जब पारंपरिक संस्कृत पढ़ते हुए छात्र था तो एक पंक्ति आती थी कि रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। यह पंक्ति आज चरितार्थ हो रही है कि रात्रि बीतेगी और सुप्रभात होगा, कमल खिलेगा। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति, यानी भगवान भास्कर का उदय होगा, और हसिष्यति पंकजश्री, पंकज कहते हैं कमल को, तो पंकजश्री हंसेगा, कमल खिलेगा। आप आज अंदर गए? आज मैं अंदर गया। कल जैसे मैं टीवी पे देखा अपने घर में बैठ करके न्यूज कि कोर्ट का फैसला इस तरह से आया हुआ है कि तहखाने में पूजा प्रारंभ की जा सकती है, दर्शन प्रारंभ किया जा सकता है, तो खुशी की लहर हुई। हम अपने घर में बाबा विश्वनाथ को नर्मदेश्वर के रूप में रखे हुए हैं और वहाँ हमने अभिषेक किया और यह निश्चय किया कि अभिषेक अभी हो गया हमारा, पूजन मान लीजिए तहखाने में ही, और अब मैं सुबह जाऊंगा। अभी आप सुबह गए, उसके बाद गया वहाँ पे, सर्वप्रथम मैं तहखाने के ही अंदर दर्शन किया। अंदर तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि सामान्य जनता को अभी जाने का जो है व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बहुत हाँ पूजन हो चुका है, आरती कल ही हो गई, आज भी सुबह हुई है। और वो प्रक्रिया रही एक आम भाषा में अगर समझाएं, क्या कुछ आज उन्होंने किया है अंदर? जैसे पूजा पहले से होते आ रहा है उसी तरह से पूजा, यह तो एक वैकल्पिक पूजा हम लोग बाहर कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने, न्यायालय ने और यह काल चक्र ने कितनी प्रकार की आरती हुई है और कितनी प्रकार की आरतियां हुई,
हमारे समझ से दो प्रकार की आरती हो चुकी है, शयन आरती। हाँ, रात्रि वाली आरती हो गई, सुबह वाली आरती हो गई, फिर अब होते रहेगा, अनवरत तो होते रहेगा। ये अब जो है बाबा विश्वनाथ की कृपा बन चुकी है, श्रृंगार भी किया गया है। बने रहिए हमारे साथ पूजा प्रक्रिया यहाँ पर समझते हुए कि कैसे देर रात भी वहां पर आरती की गई। 30 साल बाद ये मौका आया है।